जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर शर्मा पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भाग करना सिखाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग भाग नहीं कर पाते हैं और आप लोग भाग करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं आपको आज के इस वीडियो में इतनी आसान भाषा में भाग करना सिखाने वाला हूँ कि आपको आगे वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ये भागे चारों के चारों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से ये वाली भाग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इसको देखने के लिए वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। चलो, मैं आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूंगा। सबसे पहले हम लोग पहली भाग की तरफ पहुंचते हैं। तो पहली भाग हमारे पास कौन सी है, हमें क्या करना है, हमें चार से भाग देना है। 8 चार को मतलब 84 को। दोस्तों, तो हम किस तरीके से देंगे ये देखिएगा। जब भी दोस्तों आप लोग भाग करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहली संख्या देखेंगे, ये वाली संख्या, और ये वाली संख्या पर हम लोग ये देखेंगे कि इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि इसमें से 4 छोटी संख्या है और 8 बड़ी संख्या है। अब दोस्तों, ये वाली संख्या इस संख्या से यदि बड़ी है तो इसका भाग इसमें चला जाएगा। तो दोस्तों, ये वाली संख्या बड़ी है तो हम 4 का पारा कितनी बार पढ़ेंगे, अब 4 का पारा इतनी बार पढ़ेंगे कि 8 आ जाए या 8 से कम आ जाए, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 4 का पहाड़ा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 आ गया दोस्तों। 8 4 का पहाड़ा कितनी बार हमने पढ़ा, तो 4 का पहाड़ा सिर्फ और सिर्फ 2 बार पढ़ा और 8 हमारे पास आ गया है। अब दोस्तों, जितनी बार हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं उतना हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। 2 बार पढ़ा तो 2 हमने यहाँ पर लिख दिया, और पहाड़ा पढ़ने के बाद कितना है, 8 आया। तो दोस्तों, 8 आया तो 8 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, कर लेते हैं। चलो, 8 में से 8 को घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचता है तो हम लोग यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा सकते हैं, या आप लोग लिखना चाहे तो यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर तो कोई संख्या बची नहीं है और हमें भाग करना है आगे भी, तो क्या करेंगे, हम उतारेंगे अगली संख्या। और अगली संख्या कौन सी हमारे पास, 4। तो 4 को दोस्तों हम यहाँ पर उतार लेंगे, और जैसे ही हम लोग 4 को यहाँ पर उतारेंगे, संख्या 4 यहाँ पर भी है और 4 यहाँ पर भी है, सेम संख्या। तो 4 का पारा कितनी बार पढ़ेंगे दोस्तों, जो 4 का पारा सिर्फ 1 बार पढ़ेंगे और 4 को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 4 एकम 4, 1 बार दोस्तों पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1 हमने यहाँ पर लिख लिया, और 4 एकम 4 आया तो 4 को दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, कर लेते हैं। 4 में से 4 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, और इस तरीके से हमने एक भाग को कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अपनी दूसरी भाग की तरफ, और दूसरी भाग हमारे पास कौन सी है, 8 से हमें भाग देना है 249 को। तो किसको देंगे, 249 को देना है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहली संख्या देखेंगे कौन सी है, 2 है, और यहाँ पर कौन सी है, 8 है। ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या। अब इसका भाग इसमें जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर है छोटी संख्या। अब दोस्तों, यहाँ पर जब बड़ी संख्या बनेगी तभी इसका भाग इसमें जा पाएगा, और बड़ी संख्या बनेगी कैसे, हम लेंगे 2 संख्याओं को। बड़ी संख्या बनाने के लिए हम लोग लेंगे 2 संख्याओं को, तो 2 और 4 को जो हम लोग लेंगे तो संख्या बन जाएगी 24 यहाँ पर। अब 24 8 से बड़ी संख्या है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 8 का पारा इतनी बार पढ़ेंगे कि 24 आ जाए या 24 से कम आ जाए, लेकिन 24 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 8 का पारा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तय 24 आ गया ना। 24 कितनी बार हमने पढ़ा, पढ़ा 8 का, तो दोस्तों 8 का पढ़ा 3 बार पढ़ा और 24 आ गया। 3 बार पहाड़ा पढ़ा है, 3 हम यहाँ पर लिख देंगे और 24 दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो कर लेते हैं 24 में से 24 को घटाएंगे। 4 में से 4 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। 2 में से 2 जाएगा तो भी कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो हमने क्रॉस का चिन्ह यहाँ पर लगा दिया है। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब हम लोग अगली संख्या को यहाँ पर उतार लेंगे क्योंकि हमें भाग कंप्लीट करनी है। तो अगली संख्या हमारे पास कौन सी है, 9। तो दोस्तों, 9 को हमने यहाँ पर उतार लिया। अब यहाँ पर 9 है और यहाँ पर है 8, इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है, तो ये वाली बड़ी संख्या है और ये वाली छोटी संख्या है। अब दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, तो ये वाली छोटी संख्या है, ये वाली बड़ी संख्या, तो हम कितनी बार पढ़ा पढ़ेंगे इसका, तो 8 का पारा हम इतनी बार पढ़ेंगे कि 9 आ जाए या 9 से कम आ जाए, लेकिन 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 8 का पहाड़ा। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 ज़्यादा हो जाएगा तो 8 एकम 8 एक ही बार पहाड़ा पढ़ेंगे। दोस्तों 1 बार पढ़ेंगे तो 1 हमने यहाँ पर लिख लिया, और 8 दोस्तों जो आया है तो 8 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, चलो कर लेते हैं। 9 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 हमने यहाँ पर लिख लिया, और यही हमारा हो जाएगा शेषफल। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये 2 भागे कंप्लीट कर ली हैं। अब दोस्तों, ये 2 भागे तो हमने कंप्लीट कर ली हैं, अब ये 2 भागे भी हम लोग सीख लेते हैं क्योंकि ये वाली भाग आप लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलो, हम लोग ये वाली भागे भी सीख ही लेते हैं।
देखिएगा क्या है, हमें तीसरी भाग हमारे पास है कि हमें 6 से भाग देना है किसको, 210 को। सबसे पहले क्या करेंगे, पहली संख्या देखेंगे कौन सी है, पहली संख्या 2 है, यहाँ पर कौन सी है 6, ये छोटी संख्या है या बड़ी संख्या है, इसका भाग इसमें नहीं जा पाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे हमें बड़ी संख्या बनानी पड़ेगी, और बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे हम लेंगे दो संख्याओं को, हम 2 और 1 को जब लेंगे तो यहाँ पर संख्या पूरी बन जाएगी 21, और यहाँ पर 6 है तो ये बड़ी संख्या है, तो हम क्या करेंगे 6 का पारा इतनी बार पढ़ेंगे कि 21 आ जाए या 21 से कम आ जाए, लेकिन 21 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिया 18, 6 चौक 24। अब दोस्तों 6 का पारा हमने 4 बार पढ़ा, 24 21 से ज्यादा होता है, तो इसका भाग इसमें नहीं जा पाएगा, क्योंकि 24 को तो हम लिख नहीं सकते, क्योंकि 24 जो है 21 से ज्यादा हो जाएगा, फिर 21 में से 24 घटेगा नहीं, इसलिए नहीं लिख सकते, और 6 के पहाड़े में 21 आया नहीं है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हम इस कंडीशन में ये करेंगे कि 21 से कम वाली संख्या को लिखेंगे जो 21 के पास में हो, वैसे तो 21 से ये 3 संख्याएं कम है, लेकिन हम तीनों संख्याओं को नहीं लिख सकते, हम लिखेंगे सिर्फ 18 को, क्योंकि 18 21 से कम है और 21 के पास में है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 18 कितनी बार में आएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 बार दोस्तों पहाड़ा पड़ेंगे और 18 आ जाएगा। अब 3 बार पहाड़ा पड़ेंगे, 3 हमने यहाँ पर लिख दिया और 18 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, 6 3 18, 18 दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 1 में से 8 जाएगा नहीं, क्योंकि 1 छोटी संख्या और 8 बड़ी संख्या है, तो दोस्तों इधर से लेंगे हासिल, यहाँ पर हो जाएगा 11, 11 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब यहाँ पर 2 था, इधर हमने हासिल दिया, तो यहाँ पर बचेगा 1, और 1 में से 1 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6, ये बड़ी संख्या है या छोटी संख्या है, तो इसका भाग इसमें नहीं जा पाएगा। अब बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर उतारेंगे अगली संख्या को, और अगली संख्या जैसे ही हमने यहाँ पर उतारा, संख्या बन गई हमारे पास 30। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब 6 का पारा इतनी बार पढ़ेंगे कि 30 आ जाए या 30 से कम आ जाए, लेकिन 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। 6 का पारा कितनी बार दोस्तों पढ़ा हमने, 5 बार पढ़ा, 5 बार दोस्तों पढ़ा, 6 पंचे 30, तो 5 हम यहाँ पर लिख देंगे, और 30 दोस्तों जो आया है, तो 30 को दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 0 में से 0 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, और 3 में से 3 जाएगा तो भी कुछ नहीं बचेगा, और इस तरीके से हमने ये तीसरी भाग को भी कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम बढ़ेंगे अपनी चौथी भाग की तरफ, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों देखिएगा, हमें 5 से भाग देना है 268 को, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहली संख्या कौन सी है, 2 है, और यहाँ पर कौन सी है, 5 है, ये छोटी संख्या है या बड़ी संख्या है, तो इसका भाग इसमें नहीं जा पाएगा। अब भाग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा 2 संख्याओं को, यहाँ पर बड़ी संख्या बनानी पड़ेगी, तो 2 संख्याओं को कैसे लेंगे, 2 और 6 को जो हम लोग लेंगे तो संख्या बन जाएगी 26। अब 5 का पहाड़ा हम लोग इतनी बार पढ़ेंगे कि 26 आ जाए या 26 से कम आ जाए, लेकिन 26 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 त्रिया 15, 5 चकू 20, और 5 पचे 25। 5 छक्का पढ़ देंगे 30 ज्यादा हो जाएगा 26 से, तो 5 पचे 25, 5 बार दोस्तों पहाड़ा पड़ेंगे और 25 हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि 26 से कम वाली संख्या है, क्योंकि 26 5 के पहाड़े में आएगा नहीं ना, क्योंकि 5 छक्का 30 कर देंगे तो 30 इससे ज्यादा हो जाएगा, और 26 आया नहीं, तो 26 से कम वाली संख्या कौन सी, 25 को लिखेंगे, तो 25 कितनी बार में आएगा, तो 5 पचे 25, 5 बार दोस्तों पहाड़ा पड़ेंगे, तो 5 हमने यहाँ पर लिख लिया, और 25 दोस्तों जो आया, तो 25 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 6 में से 5 को घटाएंगे, 1 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, ये छोटी संख्या है बड़ी संख्या है, इसका भाग इसमें नहीं जा पाएगा, तो हम उतारेंगे अगली संख्या, और अगली संख्या हमारे पास कौन सी है, 5 है, 8 है, तो 8 को हमने यहाँ पर उतार लिया, जैसे ही 8 को हमने उतारा, संख्या हमारे पास बन गई पूरी 18। अब क्या करेंगे, 5 का पारा इतनी बार पढ़ेंगे कि 18 आ जाए या 18 से कम आ जाए, लेकिन 18 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 त्रिया 15, 3 बार दोस्तों पहाड़ा पड़ेंगे, और 15 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, तो दोस्तों हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, 8 में से 5 को घटाएंगे, 3 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा, तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब जो दोस्तों 3 बचा है ना, ये हमारा बचा है शेषफल, क्या बचा है दोस्तों, ये हमारा शेषफल बचा है, और इस तरीके से हमने ये चारों की चारों भागों को कंप्लीट कर लिया है। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।